हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर हाजिर अपने चैनल में एक अलग रेसिपी लेकर गई, जो मैंने बोला था कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को अरवी के जो पत्ते होते हैं उसके पकौड़ी मतलब बनाकर दिखाई थी। आज मैं उसी पकौड़ी के भजिया की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं उसके सामान की लगता है पकौड़ी बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं। अब हम यहाँ इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। देखिए पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने गरम मसाला यानी सारे तेज पत्ता और मतलब ये सब खड़े मसाले होते हैं ऐड कर दिया। तो अब यह हमें कटा हुआ जो कटा हुआ प्याज और हरा मिर्च था उसको डाल देती है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि हमको कलर एकदम डार्क नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है। और अब इसको हम चलाते रहेंगे। और हाँ, जो हमने मिर्च डाला हम बाद में याद रखेंगे कि हमने मिर्च डाला था, वरना जो आप लाल मिर्च पाउडर डाले तो टेस्ट ज़्यादा हो जाए। तब तक हमारी सब्जी पक रही है, तब तक हम जो टमाटर उसको हम यहाँ चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चॉपर लिया था, यहाँ पे चॉपर मैंने दो टमाटर काट के डालकर इसको चॉप कर रही हूँ। और अब जितना मुझे बारीक टुकड़े चाहिए तो उतने यहाँ हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि चॉपर में कितने अच्छे से बारीक टुकड़े हो गए। हमको यहाँ पेस्ट नहीं बनाना, अगर आपको ग्रेवी पतली करना है तो आप यहाँ पेस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ मसाला ऐड करूँगी। यहाँ मैंने एक चम्मच डाल दिया था हरा धनिया, छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच चिली पाउडर। हरा धनिया जो होता है उसको हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने हल्दी स्वाद अनुसार मतलब जितना हमको कलर इसका चाहिए उतना डाल रहे हैं। और यहाँ इसको हम भून लेंगे सभी मसालों को। अब यहाँ हमने जो चॉप किया टमाटर डाला था उसको हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिलाने से अच्छा है कि हम ज़्यादा टाइम ना लगे, इससे हम जब टमाटर हम डालते तब यहाँ तुरंत नमक डाल दें। नमक डालने से क्या होता है, जो हमारा ये सब्जी होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और इसके लिए हम पहले पानी ऐड कर देंगे फिर नमक डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने पानी यहाँ एक कप डाला था, ज़्यादा नहीं डालना है। नमक हम यहाँ स्वाद अनुसार डाल देंगे, बाद में हमको नमक नहीं ऐड करना, इसलिए हम पहले जितना हमको स्वाद चाहिए उतना नमक यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इनको मिलाने के बाद अब मैं यहाँ ढक देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे हमारा मतलब प्याज है टमाटर अच्छे से मतलब पक जाएगा, जो हमारा ऑयल पूरा ऊपर आ जाएगा, मतलब ऑयल रिलीज हो जाएगा, पानी जल जाएगा। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पानी ऐड करना है। कितना डालना है बस अपने ग्रेवी के अनुसार, आपको कितना ग्रेवी पसंद है। अगर आपको ग्रेवी मतलब ग्रेवी वाला बनाना है तो आप यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी आप जो प्याज है टमाटर उसका पेस्ट बना लें। और यहाँ मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पेस्ट नहीं बनाया। और यहाँ मैंने एक कप के आसपास पहले पानी डाला था और 1.5 कप यहाँ मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये हमारा पानी जो सब्जी होगी पक जाएगी और सब पानी खत्म हो जाएगा, मतलब जितना हमको चाहिए उतना मैं यहाँ रखूंगी। और अपने ग्रेवी बनाने के लिए आप यहाँ पेस्ट बना लीजिएगा अदरक लहसुन मिर्च प्याज का टमाटर का। और आप देख सकते हैं कि अब हम इसको ढक देंगे जो हमारा पानी एकदम खोल जाए, उसके बाद हमने जो पकौड़े रेडी किए वो हम डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो पानी जो हमने ऐड किया था वो अच्छे से मसालों के साथ एकदम पक गया है। हम बाद पहले मतलब पानी बाद में डालेंगे, वरना जो हमारे पकौड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे उसी में, इसलिए हमको ठंडा पानी बाद में डालना है। इससे अच्छा कि हम पहले ही पानी को उबाल लें बाद में पकौड़े डालें, ये खास ट्रिक होती है। तो देखिए हमारे मसाले जो कलर एकदम अच्छे से आ गया है, ऑयल ऊपर लीक हो गई। अब हमें एक एक करके पकौड़े डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे पकौड़े डाल दे रही हूँ। अब आप फिश देख सकते हैं कि फिश जैसे पीस जो टेस्ट है वैसे ही आएगा। और यहाँ पे मैं जितना मुझे मतलब जितने फैमिली के अनुसार मैं यहाँ पकौड़े ऐड कर रही हूँ। और इनको अच्छे से पकने देंगे जब तक कि हमारा जो सब्जी है पूरे मसाले इसके अंदर मिल ना जाए। और इसको हम ढक देंगे। और देखिए 5-10 मिनट के बाद हम यहाँ चेक कर रहे हैं जो हमारी सब्जी पूरे अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पे हम ऊपर से गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गरम मसाला हमको बाद में ही ऐड करना है। अब हम यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे और ढक देंगे। जो हमारा गरम मसाला हमने डाला था वो अच्छे से इसमें मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं हम एक परोस के दिखा रहे हैं प्लेट में हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है। और ये फिश आप कभी मतलब चावल के साथ जो नॉन वेज जो मतलब वेजिटेबल वो इसके खाएंगे तो आपको वैसे ही टेस्ट पूरा आएगा। और मैं आपको याद दिला दूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर पसंद आए तो कमेंट करिए, शेयर करिए, आपकी मर्जी, क्योंकि हम बोलेंगे तो आप करेंगे नहीं, आपका मन करेगा तो आप करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।